बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्याज का रस और नारियल का तेल हम वज़न लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में दो दफ़ा बालों में लगाएं। इससे आपके बाल नरम, सीधे, लंबे और घने रहेंगे। आजमूदा टोटका है, इसे आप आजमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही मुजर्रब पाएंगे। इसके अलावा हफ्ता में दो दफ़ा बादाम के पाउडर और अरके गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए स्किन पर लगाने की रूटीन बना लें। आपकी स्किन इंशाअल्लाह टाइट और झुर्रियों से पाक रहेगी। सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल हम वज़न लेकर किसी पुरानी मस्कारे की खाली बोतल में साइड टेबल पर रख लें। रोज़ाना पलकों को सोने से पहले पलकों पर लगाएं। 3 महीने में पलकें इतनी घनी हो जाएंगी कि आपको मस्कारा या फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़रूर आजमाइएगा। इसके अलावा रोज़ाना सोने से पहले 1 कप पानी में 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी सौंफ और पुदीने की पत्तियाँ डालकर कहवा बनाने और पीने की रूटीन बना लें। इंशाअल्लाह 21 दिन में स्किन को चमकता हुआ देखें। इसके बाद एक और आसान सा टोटका, अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें और इसमें 76 पुदीने की पत्तियां शामिल कर लें और सारा दिन इसी बोतल से पानी पिएं। ऐसा करना आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करेगा और आपकी स्किन दानों और तमाम मसाइल से महफूज रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। महंगे फेस वाश इस्तेमाल करने के बजाय रोज़ अपने चेहरे को दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर धोएं। आपकी जिल्द से सारे दिन की धूल, मट्टी और गुबार निकल जाएगा और एक ग्लो और शाइन आएगी, वो अलग होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।